रेडियो कथारत्न। कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से हल्का होता है। दुख एक ऐसा भाव है जिससे कभी ना कभी हर इंसान गुजरता है, लेकिन दुख का एहसास होने के बावजूद हम हमेशा सबका दुख बांटने को तैयार नहीं रहते। दुखी व्यक्ति सहानुभूति के दो शब्द सुनकर थोड़ा रोककर अपना दुख कम करना चाहता है, लेकिन कई बार उसे ऐसा साथ नहीं मिलता जिससे वो अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख बांट सके। एंटन चेखव ने बहुत बारीकी से ऐसे ही एक दुख को शब्दों में उकेरा है। रेडियो कथा रत्न पर आज हम आपको सुनाएंगे एंटन चेखव की लिखी कहानी दुख, जिसे हमने हिंदी समय से लिया है और कहानी का अनुवाद सुशांत सुप्रिय ने किया है। आइए सुनते हैं कहानी दुख। मैं अपना दुख किसे सुनाऊं? शाम के धुंधलके का समय है। सड़क के खंभों की रोशनी के चारों ओर बर्फ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही है। बर्फबारी के कारण कोचवान योना किसी सफेद प्रेत सा दिखने लगा है। आदमी की देह जितनी भी मुड़कर एक हो सकती है उसने उतनी कर रखी है। वह अपनी घोड़ा गाड़ी पर चुपचाप बिना हिले डुले बैठा हुआ है। बर्फ से ढका हुआ उसका छोटा सा घोड़ा भी अब पूरी तरह सफेद दिख रहा है। वह भी बिना हिले डुले खड़ा है। उसकी स्थिरता, दुबली पतली काया और लकड़ी की तरह तनी हुई सीधी टांगे ऐसा आभास दिला रही है जैसे वह कोई सस्ता सा मरियल घोड़ा हो। योना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से नहीं हिले हैं। वह खाने के समय से बहुत पहले ही बाड़े से निकल आए थे, पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली है। ओ गाड़ी वाले, विबोर्क चलोगे क्या? योना अचानक सुनता है। विबोर्क? हड़बड़ाहट में वह अपनी जगह से उछल जाता है। अपनी आंखों पर जमा हो रही बर्फ के बीच से वह धूसर रंग के कोट में एक अफसर को देखता है जिसके सर पर उसकी टोपी चमक रही है। विबोर्ग, अफसर एक बार फिर कहता है। अरे सो रहे हो क्या? मुझे विबोर्ग जाना है। चलने की तैयारी में योना घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अफसर पीछे बैठ जाता है। कोचवान घोड़े को पुचकारते हुए उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है, फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही अपनी टांगों को मोड़ता है और अंत में अपनी अनिश्चय शैली में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। योना ज्यों ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता है, अंधेरे में आ जा रही भीड़ में से उसे सुनाई देता है। अबे क्या कर रहा है जानवर कहीं का? इसे कहां ले जा रहा है? मूर्ख, दाएं मोड़। तुम्हें तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता, दाहिनी ओर रहो। पीछे बैठा अफसर गुस्से में चीखता है, फिर रुककर थोड़े संयत स्वर में कहता है, कितने बदमाश हैं सबके सब। और मजाक करने की कोशिश करते हुए वह बोलता है, लगता है सबने कसम खा ली है कि या तो तुम्हें धकेलना है या फिर तुम्हारे ही घोड़े के नीचे आकर दम लेना है। कोचवान योना मुड़कर अफसर की ओर देखता है। उसके होंठ जरा सा हिलते हैं, शायद वह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो तुम? अफसर उससे पूछता है। योना जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आता है और कोशिश करके फटी आवाज में कहता है, मेरा इकलौता बेटा बारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। अच्छा, कैसे मर गया वह? क्या कहूं साहब, डॉक्टर तो कह रहे थे सिर्फ तेज बुखार था। बेचारा 3 दिन तक अस्पताल में तड़पता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? अरे शैतान की औलाद, ठीक से मोड़। अंधेरे में कोई चिल्लाया, अबे वो बुड्ढे, तेरी अकल क्या घास चरने चली गई है? अपनी आंखों से काम क्यों नहीं लेता? जरा तेज चलाओ घोड़ा, और तेज, अफसर चीखा, नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जरा और तेज। कोचवान एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता है और सीधा होकर बैठता है और रुखाई से अपनी चाबुक चलाता है। बीच बीच में वह कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखता है।
लेकिन उस अफसर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली हैं। साफ लग रहा है कि वह इस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अफसर को विभोर पहुंचाकर योना शराब खाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर उकड़ू होकर सीट पर दुबक जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं, तभी फुटपाथ पर रबड़ के जूतों के घिसने की चू चू ची ची आवाज के साथ 3 लड़के झगड़ते हुए वहां आते हैं। उन किशोरों में से 2 लंबे और दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा थोड़ा कुबड़ा और नाटा है। ओ गाड़ी वाले, पुलिस ब्रिज चलोगे क्या? कुबड़ा लड़का कर्कश स्वर में पूछता है। हम तुम्हें 20 कोपेक देंगे। योना घोड़े की लगाम खींचकर उसे आवाज लगाता है, जो चलने का निर्देश है। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 कोपेक ठीक भाड़ा नहीं है, पर 1 रूबल हो या 5 कोपेक हो, अब उसे कोई एतराज नहीं। उसके लिए अब सब एक ही है। तीनों किशोर सीट पर एक साथ बैठने के लिए आपस में काफी गाली गलौज और धक्कम धक्का करते हैं। बहुत सारी बहस और बदमिजाजी के बाद अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुबड़े लड़के को खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वह सबसे ठींगना है। ठीक है, अब तेज चलाओ, कुबड़ा लड़का नाक से बोलता है। वह अपनी जगह ले लेता है, जिससे उसकी सांस योना के गर्दन पर पड़ती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या सारे रास्ते तुम इसी ढीचू रफ्तार से चलोगे? क्यों ना तुम्हारी गर्दन, दर्द के मारे मेरा सर तो फटा जा रहा है, उनमें से एक लंबा लड़का कहता है। कल रात दोंग मासूफ के यहां मैंने और वास्का ने कोयाक की पूरी 4 बोतल चढ़ा ली। मुझे समझ में ही नहीं आता कि आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, तुम एक दुष्ट व्यक्ति की तरह झूठे हो, दूसरा लंबा लड़का गुस्से में बोला। भगवान कसम, मैं सच कह रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इसमें कि सुई की नोक से ऊंट निकल सकता है। आप सब कितने मजाकिया हैं, योना खींचे निपोर कर बोलता है। अरे भाड़ में जाओ तुम, कुबड़ा क्रुद्ध हो जाता है। बुढ़े, तुम हमें कब तक पहुंचाओगे? चलाने का ये कौन सा तरीका है? कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो। जरा चाबुक जोर से चलाओ मियाँ, तुम आदमी हो या आदमी की दुम? योना यूं तो लोगों को देख रहा है, पर धीरे धीरे अकेलेपन का एक तीव्र एहसास उसे ग्रस्ता चला जा रहा है। कुबड़ा फिर से गालियां बकने लगता है। लंबे लड़कों ने किसी लड़की के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। योना उनकी ओर कई बार देखता है। वह किसी क्षणिक चुप्पी की प्रतीक्षा के बाद मुड़कर बुदबुदाता है। मेरा बेटा, इस हफ्ते गुजर गया, हम सबको एक दिन मरना है। कुबड़े ने ठंडी सांस ली और खांसी के एक दौरे के बाद होंठ पोंछे। अरे जरा जल्दी चलाओ, खूब तेज। दोस्तों, मैं इस धीमी रफ्तार के साथ चलने को तैयार नहीं, आखिर इस तरह ये हमें कब तक पहुंचाएगा? अरे अपने इस घोड़े की गर्दन थोड़ी गुदगुदाओ। सुन लिया बुढ़े, ओ नर्क के कीड़े, मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर तुम जैसों की खुशामद करते रहे तो हमें पैदल चलना पड़ जाएगा। सुन रहे हो, तुम पर कुछ असर हो भी रहा है या नहीं? योना इन शाब्दिक प्रहारों को सुन रहा है, पर महसूस नहीं कर रहा। वह हे हे करके हंसता है। आप साहब लोग हैं, जवान हैं, भगवान आपका भला करे। बुढ़े, क्या तुम शादीशुदा हो? उनमें से एक लंबा लड़का पूछता है। मैं? आप साहब लोग बड़े मजाकिया हैं। अब बस मेरी एक बीवी ही है, वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी है। आप समझ गए ना मेरी बात, मौत बहुत दूर नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूं। कैसी अजीब बात है ये, मौत गलत दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे पास आने के बजाय वो मेरे बेटे के पास चली गई। योना पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया, पर उसी समय कुबड़ा एक लंबी सांस खींचकर कहता है, शुक्र है खुदा का, आखिर मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया। और योना उन सबको अंधेरे फाटक के पार धीरे धीरे गायब होते देखता है। एक बार फिर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है, सन्नाटे से घिरा हुआ।
उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था फिर लौट आता है, और इस बार वो और भी ताकत से उसके हृदय को चीर देता है। वो बेहद बेचैन होकर सड़क की भीड़ को देखता है, गोया ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा हो जो उसकी बात सुने, पर भीड़ उसकी मुसीबत की ओर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ जाती है। उसका दुख असीम है, यदि उसका हृदय फट जाए और उसका दुख बाहर निकल आए तो मानो वह पृथ्वी को भर देगा, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं देखता। यूना को टाट लादे एक कुली दिखता है, वह उससे बात करने की सोचता है। वक्त क्या हुआ भाई, वह कुली से पूछता है। 9 से ज्यादा बज चुके हैं, तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो, अब कोई फायदा नहीं, लौट जाओ। यूना कुछ देर आगे बढ़ता रहता है, फिर उकड़ू हालत में अपने गम में डूब जाता है। वह समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों की ओर देखना बेकार है, वह इस हालत को और सह नहीं पाता और अस्तबल के बारे में सोचता है। उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर दुल की चाल से चलने लगता है। लगभग 1.5 घंटे बाद यूना एक बहुत बड़े गंदे से स्टोव के पास बैठा हुआ है। स्टोव के आसपास जमीन और बेंचों पर बहुत से लोग खराटे ले रहे हैं, हवा दम घोटू गर्मी से भारी है। यूना सोए हुए लोगों की ओर देखते हुए खुद को खुजलाता है, उसे अफसोस होता है कि वह इतनी जल्दी क्यों चला आया, आज तो मैं घोड़े के चारे के लिए भी कमा नहीं पाया, वह सोचता है। एक युवा कोचवान एक कोने में थोड़ा उठकर बैठ जाता है और आधी नींद में बड़बड़ाता है, फिर वह पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। क्या तुम्हें पानी चाहिए, यूना उससे पूछता है। यह भी कोई पूछने की बात है, अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुमने सुना है क्या, इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है, यूना अपने कहे का असर देखना चाहता है पर वह कुछ देख नहीं पाता। उस युवक ने अपना चेहरा छिपा लिया है और दोबारा गहरी नींद में चला गया है। बूढ़ा एक लंबी सांस खींचकर अपना सर खुजलाता है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इस बारे में वह किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया है। बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से ही यह सब बताया जा सकता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख भोगा, मरने से पहले उसने क्या कहा और कैसे उसने दम तोड़ दिया। दफन के वक्त की एक एक बात बतानी भी जरूरी है, और यह भी कि उसने कैसे अस्पताल जाकर बेटे के कपड़े लिए। उस समय उसकी बेटी अनेसिया गांव में ही थी, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है। सुनने वाला जरूर एक लंबी सांस लेगा और उसे सहानुभूति जताएगा। औरतों से बात करना भी अच्छा है, हालांकि वे बेवकूफ होती हैं। उन्हें रुला देने के लिए तो भावुकता भरे 2 शब्द ही काफी होते हैं। चलो पहले अपने घोड़े को देख लो, यूना सोचता है। सोने के लिए तो हमेशा वक्त रहेगा, उसकी क्या परवाह। वह अपना कोट पहनकर अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है, साथ ही वह अनाज, सूखी घास और मौसम के बारे में सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की हिम्मत वह जुटा नहीं पाता है। क्या तुम डटकर खा रहे हो, यूना अपने घोड़े से पूछता है। वह घोड़े की चमकती आंखें देखकर कहता है, ठीक है जमकर खाओ, हालांकि आज हम अपना अनाज कमा भी नहीं सके, पर कोई बात नहीं, हम सूखी घास खा सकते हैं। हाँ यह सच है, अब मैं गाड़ी चलाने के लिए बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बेटा चला सकता था। कितना शानदार कोचवान था मेरा बेटा, काश वो जीवित होता। एक पल के लिए यूना चुप हो जाता है, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे प्यारे पुराने दोस्त, यही सच है, कुजा यूनिच अब नहीं रहा, वो हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया। सोचो तो जरा, तुम्हारा एक बछड़ा हो, तुम उसकी माँ हो, और अचानक वो बछड़ा
तुम्हें अपने बात जीने के लिए छोड़कर चल बसे, कितना दुख पहुंचेगा तुम्हें, है ना? उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है, उसकी बात सुनता है और उसके हाथ को चाटता है। अपने दुख के बोझ से दबा हुआ योना उस छोटे से घोड़े को अपनी सारी कहानी सुनाता चला जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी के बारे में आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। अभी तक इसके प्रतिक्रिया नहीं किया अवश्य दें तो प्लीज कर लें, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच जाए।